Processing to continue, please, if he has been able to log in. चौहान जी, क्या सिंह साहब ने लॉग इन कर लिया है? He's logging. Probably okay. Is online. Yes sir, you are back, sir. Now you may please continue, sir. G. Hello. Yes, we can hear you, sir. So I can start. You can start. Yes, sir. Should I start? Yes, sir. We can hear you. You may continue, sir. So I was saying that जो day to day dependence on forest है वो धीरे धीरे कम होने लगा. एंड पर हुआ क्या कि अमेज़न ट्री का जिन्होंने ओक को डिसफेवर किया और पाइन को फेवर किया एंड देन फायर वॉज अनदर फैक्टर. इस तरह के चेंजेस आए, पर एक बड़ा बड़ा भारी चेंज आया जो शायद इसके बारे में जो हम डेवलपमेंट के लिए हम किसी भी साइज के डिस्ट्रक्शंस को परमिशन मान लिया गया. इस तरह का ये जो बड़े ट्रीज उनका जो जो जिससे ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट हैं वो प्रॉब्लम आने लगे. पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो वी हैव अ टाइम रिस्पाइट मिल गया है हमको. अगर नेपाल को भी देखें तो उन्होंने फॉरेस्ट यूजर है और इस तरह से फॉरेस्ट रिकवर वहाँ भी थोड़ा सा बेटर हुआ. सो वी हैव एन अपॉर्चुनिटी. अगर हम बहुत बार गड़बड़ करें कि हम जिस ट्री को जैसे चाहे वो काट दें, रोड को बाट दें, कुछ भी कर दें, तो शायद वी हैव अ बेटर चांस कि हम इसको ठीक कर सकें. पर एक और बड़ी बात आई कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने 1980s में दो PhDs हुई थी जिसमें जो एक साइंस डेवलप उन्होंने कोशिश की थी कि तो लैंड स्लाइड हो जाती है उसको कैसे रिकवर किया जाए, उसका रेस्टोरेशन कैसे किया जाए. तो एल्डर को हमने काफी बार रोल एनालाइज किया था. अनफॉर्चुनेटली उस तरह का वर्क तब से आज 20-25 साल हो गए कभी नहीं हुआ. फिर सो देयर इज अ सर, आप म्यूट हो गए हैं सर. यू विल हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ सर. यस. तो आई वाज कि जो लैंडस्लाइड से इनकी रिकवर बहुत इंपॉर्टेंट साइंस हो सकती है. अब ठीक है, एम आई राइट? नाउ इट इज परफेक्ट. तो द इश्यू वाज दैट हम अगर आप लैंड अगर अर्थक्वेक देखें नेपाल का तो उसके बाद करीब 80 किलोमीटर² की लैंडस्लाइड्स हुई. तो लैंडस्लाइड्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन बट आल्सो बिकॉज क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारे इवेंट्स एक्सट्रीम्स आएंगे और लैंडस्लाइड इज गोइंग टू मेजर फीचर बिकॉज ऑफ दीज डिस्टर्बेंस यंग माउंटेन्स.
So we need to develop this science. There's some understanding, but it should be much more improved than it has been. And this can be a major research area which, well, university should participate. I can claim that ki Gopal jante hain is baat ko ki hum us samay China se aage research, kai cheezon mein research ke point of view se aage the. Unfortunately, ab China humse bahut aage chala gaya, even on Himalayan research. Even Nepal is doing better. Yeah. So my point is that jo vice chancellor sahab log, jo bahut custodians hain, jo bahut chinta, jisko maine dekha kaafi, they have very high admiration for Himalaya, may devote some time to this kind of research. The university should play that, they continue to play that kind of research. Then migration, ek aur bada issue aaya, we have universities, but hame nahi pata ki uska asar kya ho raha hai as far as say natural forests are concerned. Migration aap aise dekh sakte hain, it is paradoxical. हमने राज इसलिए बनाया कि हम माउंटेन का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए हम माइग्रेशन से बहुत दुखी होते हैं. वी डेवलप ए काइंड ऑफ गिल्ट फीलिंग. ठीक इसका उल्टा चाइना में हुआ. चाइना में अरबों रुपए खर्च किए गए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स अंडर ए प्रोजेक्ट कॉल्ड ग्रेन फॉर ग्रीन, जिसमें ये कहा गया कि आप आओ यहाँ से, एग्रीकल्चर मत करो और हम फॉरेस्ट को कवर होने का मौका दो. और सेम था कि हमने सबसे बड़ी सर्विसेज के लिए पेमेंट. In our case, things are very different. Now, culture plays a very important role. हमारे लिए बहुत important लोग ये है कि पहाड़ में लोग हैं, even from security point of view. So, कैसे लोग जो हैं ऐसा जीवन व्यापन कर सकें कि उनको कुछ पैसे मिल सकें, ecosystem मैनेज किए. जैसे आपने कहा कि हनी अगर हम प्रोड्यूस करने में अच्छे हो जाएं, तो हनी प्रोडक्शन has all ecological plus pluses. There's hardly anything which is negative. पर क्या हम इस तरह कोई चीजें इनिशिएटिव ले सकते हैं, ऐसे जैसे कि एप्पल के कल्टीवेशन में कभी हिमाचल ने लीड लिया और देखो सक्सेस. इस तरह का शायद रोल किया जा सकता है. कुछ एनजीओज ने करीब 3,000-4,000 फैमिलीज को इसमें लगाया है. सो माय सबमिशन इज दैट देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग जॉब्स से बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट कटिंग देम, व्हाट दे कॉल इकोसिस्टम सर्विसेज. इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब है कि आप फॉरेस्ट को डिटोरेट किए हुए बिना उनसे सर्विसेज ले सकते हो, कुछ पैसे जनरेट कर सकते हो. पहले भी हमारे दोनों ऑनरेबल वाइस चांसलर ने कुछ इस तरह की बात की थी कि जो सर्विसेज हैं हिमालय से जाती हैं वो गैंजेटिक प्लेन को सर्व करती हैं, उसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए. ये बात मैंने करीब 15-20 साल पहले शुरू की थी. कुछ एक बार ये बातें एक्सेप्ट भी हो गई थी, उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता. एक बात मैं और कहूंगा कि जो आज पैंडेमिक है, जो क्राइसिस है जिसको आप जूझ रहे हैं, उसका भी कनेक्शन फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से है, या फॉरेस्ट के जो उसकी इंटीग्रिटी है इकोसिस्टम की, उसके टूटने से है. करीब करीब आपको शायद अंदाजा होगा कि सिर्फ 260 वायरसेस हम जानते हैं, जबकि वायरसेस की संख्या स्पीसीज की जो एस्टिमेटेड है 1.6 मिलियन है. And this for they are in natural forests, or because of integrity, when you maintain the integrity, जब वो animal life उनकी बनी बची रहती है तब तक ये सब गड़बड़ नहीं होता है. But the moment we deforest, then वो animals जो है हमारे domestic animals के through हमारे पास आने लगते हैं. Bats का case बहुत important है. Uttarakhand is a very special place for bats. अभी मैंने देखा एक paper था recently. 32 species हैं जिसमें 9 पहली बार रिपोर्ट हुई दुनिया में. बैट्स को रिजर्वायर माना जाता है वायरसेस का. तो माई सबमिशन इज दैट कि ये इश्यूज भी अगर आप लार्जर इशू देखते हैं लॉन्ग टर्म, तो हम 10 साल में अगर ये लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर ऐसे डिस्टर्बेंस करते रहे फॉरेस्ट को, तो 10 साल में एक बार पैंडेमिक होंगे और हम ये ह्यूमन स्पीसीज अफोर्ड नहीं कर सकते. So Himalayan forest can have a dimensions with regard to this these viruses also. Agar aap aur bhi nazdeek jaye to aapke bagal Mukteshwar hai jahan par vaccine banti thi, aur India ki history agar dekha jaye vaccine banne ki to aaj nahi hai. It is not even say this party or that party. Ye azadi ke bahut pehle se shuru ho gayi thi. 1897 mein Kosh Mukteshwar aaye the. Kosh was a Nobel laureate, aur
वैक्सीन बनने की बातें हैं, उस समय केव्स के अंदर लोग वैक्सीन को स्टोर करते थे जिसमें बर्फ रखी जाती थी क्योंकि कोई और तरीका नहीं था. सो माई सबमिशन इज दैट वी आर फेमिलियर विद द वैक्सीन. वैक्सीन बहुत कोई बहुत बड़ी साइंस की बात नहीं है. आवर यूनिवर्सिटीज कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस थिंग्स. एंड इन नटशेल आई वुड से दैट हिमालय, अगर हमने लैंडस्लाइड जैसी कुछ बहुत गड़बड़ नहीं किया, प्रेजेंट सिचुएशन इज दिस दैट वी हैव पॉसिबली रिकवरी प्रोसेस पर हम मूव कर चुके हैं, बट इट इज नॉट रैपिड. देर आर सम इशूज ऑल्सो विच नीड टू बी डेवलप्ड. सो देर इज अ होप, देर इज अ रेस्पाइट एट लीस्ट विच कैन बी यूज टू डेवलप आवर फॉरेस्ट इन अ बेटर वे. जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आपने शहद को एक की स्टोन स्पीसीज मान लिया, हनी बी को, देन यू कैन गो फॉर से चेरी प्लांटेशन. हमने कभी भी अपने चेरी को, जिसको पहिया कहते हैं, कभी वैल्यू नहीं किया. पहिया इज वेरी यूजफुल एज फार एज बी कीपिंग. हमने बी के पॉलिनेशन सर्विस की बात तो की, तो बी को क्या क्या चाहिए ये बात नहीं की हमने. तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर जापानीज टूरिज्म जोड़ सकते हैं अपने चेरी से, तो हमारा नवंबर में फ्लावर करता, हमने क्यों नहीं कनेक्ट किया? क्यों नहीं रोड साइड का मेजर ट्री हो सकता? ऐसे बहुत से और स्पीसीज हैं. सो माई सबमिशन इज दैट अब जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, that should be also a qualitative development of our forests. Or those where life has, like bees and others, unka pollination service, and then also getting money from honey industry or something like that. So there's some scope. Main ye nahi keh raha hu ki aap jo hai bahut paise kama lenge. And then also, agar agriculture, maine aaj humne 1887 mein paper likha tha ki agriculture, aap chhodaoge, wo log apne aap chhod dein ki aap ek policy ke tahat chhodwaoge. हमने जो है लोग अपने आप छोड़ने लगे. व्हाट इज दिस अल्टरनेटिव? क्या उनके जो जो पाइन फॉरेस्ट है गांव वालों का नहीं हो सकता था? क्या कम्युनिटी फॉरेस्ट इस हद तक डेवलप नहीं हो सकती थी कि जो ये फॉरेस्ट हैं उनसे गांव वाले भी कुछ पैसे कमा सकें? इस तरह की बातें भी जोड़ी जा सकती थी. सो माई सबमिशन इज दैट इन नटशेल एज फॉर उत्तराखंड इज कंसर्न, एक उसकी बड़ी भारी समस्या है कि माउंटेन डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है. इट इज़ ए लॉप साइडेड, चीजें प्लेन्स की तरफ चली गई, जबकि हमने राज बनाया था माउंटेन डेवलपमेंट के लिए. तो माउंटेन डेवलपमेंट, फॉरेस्ट, हिमालय एज अ होल, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं. एंड वी कैन ऑल्सो कनेक्ट द वायरस इशू. व्हाई द पीपल ऑफ माउंटेन्स हार्डली इंटरनेशनल ट्रेवलर्स शुड सफर ए लॉट बिकॉज ऑफ COVID-19? वो दो तरह से सफर कर रहे हैं. जब वो टूरिज्म नहीं होता तो उनकी इकोनॉमी टूटती है, और जब टूरिज्म होता है तो उसको हम प्रॉपर ठीक से मैनेज नहीं कर रहे हैं. एक दिक्कत अभी भी आने वाली है, जो बिगेस्ट फोर्स होने वाली है अब डिग्रेडेशन की, वो शायद टूरिज्म होगी. क्योंकि टूरिस्ट जो है, आप जब नेचर टूरिज्म कहते हो तो आप हर जगह जाना चाहते हो जहाँ पर हो सकता है वायरसेज वो हों, जहाँ पर उसको आप छेड़ोगे तो कुछ डिस्टर्बेंस इस तरह के भी होंगे. सो माई सबमिशन इज दैट द बिग डैम्स, रोड वाइडनिंग and tourism, uncontrolled tourism, unregulated tourism without much local economic development may lead to something catastrophic. Agar humne in sab pe haath nahi dala, khaskar tourism, we have become too touristic. Ek mere koi dost hai, main last khatam kar raha hu, ki main Australia jab shuru ho gaya se 40 saal pehle, to keh rahe the ki jab mujhse ek loan ka, what you are going to do at this weekend, to unhone sochte hai sawal kya matlab hua, unka main kapde dhunga, aaram karunga, soonga. The point was that कि हम भी अब कहते हैं वीकेंड कहाँ जा रहे हो. The humans have become excessively touristic. Nature tourism का नाम तो लेते हैं, पर इवन नैनीताल शहर में ना जो बाहर से आता है वो को जानता है, ना नैनीताल के जो टूरिस्ट जो ऑर्गेनाइजर्स हैं कभी कहते हैं हमारे पास ओक है. सो नेचर टूरिज्म का नाम मात्र का बातें हो रही है, हम एक्चुअली इसको नहीं ला पाए हैं. And then this virus issue can be very important because you come in contact with the animals, which are carriers of viruses. जो आपको बचाए हुए हैं. Bats are not dirty thing. Bats के ऊपर बहुत से, वो खुद immune system का strong है. उन्होंने बहुत से viruses को अपने ऊपर बचा रखा है. But हम छेड़छाड़ करेंगे, then there is no space for them. और फिर वो करीब करीब हमारे touch माने रखते हैं through our domestic animals. और इस तरह की समस्याएं होती हैं. The human species can't afford to have pandemic. So with these words, I think I have taken more time.
It was with the interruption in between, sir. You have perfectly, you are dot on the time. I thank you very much for your really, really valuable inputs, sir. I am requesting main sare participants se request karta hu ki agar unke paas koi burning problem hai to teenu panelists ke uske baad speech ke baad we can invite one or two questions from each panelist. तो मैं आपको थैंक यू आई वेरी मच सर. आई नाउ हैव अ प्लेजर टू इनवाइट डॉक्टर रवि चोपड़ा जी इफ ही इज ऑनलाइन. आई थिंक ही इज देयर. ही इज रिक्वेस्टेड टू शेयर हिज एक्सपीरियंसेस ऑन द रिस्टोरेशन ऑफ स्प्रिंग शेड्स, हाउ लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्पेशली चारधाम रोड हैज लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ माउंटेन एनवायरमेंट. And what can be done to mitigate the damage? Can younger generation play a role through research and through through proactive discussion and activism? So I invite Dr. Ravi Chopra ji for his thoughts. Chopra sir, are you there? Thank you, Dr. Rawat. I hope I can be heard loud and clear. You have been always loud and clear, and I think everybody can hear you. Thank you. पिछले दो तीन दिनों में मुझे मौका मिला था डॉक्टर रावत से बात करने का कि किस तरह के विषयों पर मैं बोलूं इस वेबिनार में. और जो मैं समझा उनसे वो थोड़ा हटके है फ्रॉम व्हाट यू हैव जस्ट डिस्क्राइब. आई विल बी टॉकिंग मोर अबाउट सम ऑफ माय ओन रीसेंट एक्सपीरियंसेस एंड लेसन्स दैट आई हैव लर्नड इन द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स, नॉट मोर. सो लेट मी बिगिन विद अ स्टोरी. इट्स कॉल्ड ए ट्रिलियन ट्रीज. आप सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, और ये कहा जाता है कि भाई ये तो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन की वजह से है, और उसमें जो मेन कल्प्रिट है वो है CO2. इसलिए अगर हमको इससे ग्लोबल वार्मिंग से बचना है तो हमें वृक्षारोपण बहुत बड़ी भारी मात्रा में करनी चाहिए. बड़ा सरल उपाय दिया जाता है. 2019 में एक सज्जन डॉक्टर थॉमस क्राउथर और उनके सहयोगियों ने क्राउथर लैब ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में एक शोध किया, और उसके आधार पे साइंस में, साइंस जो जर्नल है उसमें एक पेपर पब्लिश किया कॉलिंग फॉर ए कैंपेन टू प्लांट ए मिलियन ट्रीज. Later it was picked up by the World Economic Forum. अब million trees के लिए आपको भूमि कितनी चाहिए? उनका अनुमान था 900 million hectares. Is that a lot of land? It's about the size of the US. Okay, so not that much. ठीक है, दुनिया में मिल सकती है आपको इतनी जमीन. And they went ahead and they identified fallow and degraded forest lands where this could be done in all the continents. Ab unka ye anuman tha ki agar a billion a trillion trees lag jate hain, bade ho jate hain, they will have the potential to absorb something like over 205 gigatons of carbon and fix it. So that's about a huge amount, 2/3 of all the human emissions of carbon. Ab kuch shararti log bhi hote hain, khas kar jis tarah ka yuva varg main yahan dekh raha hu. By the way, I must congratulate the organizers for doing an outstanding job. There are so many women in this webinar. अक्सर हमारे जो वेबिनार्स होते हैं पुरुष ही पुरुष दिखाई देते हैं, इक्का दुक्का महिला कोई आ गई,
गलती से तो वो बात अलग है, बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट सो मेनी वेमेन आर पार्टिसिपेटिंग एंड आई विश यू ऑल द लक दैट यू गो हैड एंड क्रिएट ए नेम फॉर योरसेल्फ इन दिस फील्ड. एनीवे कमिंग बैक टू माय स्टोरी ऑन So these young scientists began cross-checking the maps that the Crowther lab had shown to see ki bhai ye bhoomi hai kaun si. And what they found was that a large portion of the land shown in Africa was actually sand. Ab inhone usko dikha diya as a degraded forest. Inka ye tha ki kahin satellite imagery se inhone kuch kiya hoga. तो सवाना ग्रासलैंड पे वेजिटेशन तो थी बट देयर वाज वेरी लिटिल ट्री कवर. बट एज यू ऑल नो द सवाना आर एन इकोसिस्टम इन देमसेल्व्स. इट्स अ ह्यूज रेंज लैंड. दैट्स वेयर यू फाइंड द लायंस, द चीतास, द ज़ेब्रास, द जिराफ एटसेट्रा एटसेट्रा. अनेक प्रकार के बड़े बड़े जानवर वहां उपस्थित हैं. और इसको कहना कि ये डिग्रेडेड फॉरेस्ट है तो ये तो सही नहीं है. तो ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई कि मेरा ये अनुभव है कि दोज पीपल हु आर रिसर्चिंग इन द फील्ड ऑफ अर्थ साइंसेज और इकोलॉजिकल साइंसेज, प्लीज रिमेंबर दैट देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर फील्ड वर्क. यू मस्ट डू फील्ड वर्क. और जो हम फील्ड वर्क से ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं वो हम किताबों से पेपर से नहीं सीख सकते हैं. ऐसे अनुभव यहां भी हुए हैं. कई बार उत्तराखंड में जब कोई बहुत बड़ा भूस्खलन होता है, आपको शायद याद होगा 98 में इस आपके कुमाऊं की तरफ तो मालपा में भूस्खलन हुआ था, हमारे गढ़वाल में लगभग उसी समय मध महेश्वर घाटी में विच फीड्स इनटू द मंदाकिनी, वहां पर एक भेंटी में गांव में एक लैंडस्लाइड हुआ था, बहुत बड़ा लैंडस्लाइड था. एंड एज मीडिया लाइक्स दे वेंट टू वेल नोन एनवायरमेंटलिस्ट इन दिल्ली और उनसे पूछा कि भाई इसका कारण क्या होगा. हाजिर जवाब आया, अरे उत्तराखंड में इतनी डिफॉरेस्टेशन हुई है कि और ये इतनी अतिवृष्टि जो हुई पिछले कुछ दिनों से, तो उसका नतीजा तो इस तरह का लैंडस्लाइड होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. सो वी आर लाइकली टू सी मेनी मोर सच लैंडस्लाइड्स. 2003 में वर्णाव्रत में लैंडस्लाइड हुआ, फिर वही बात, दिस इज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. अरे भाई आप वर्णाव्रत को देखते तो सही, अगर आप वर्णाव्रत को देखते उस समय तो you cross the Bhagirathi to the other side, you would have seen that it's got a reasonable forest cover or at least good vegetation on it. But at the crest of the peak, there was a scar. And that scar was actually a huge fissure. और उस fissure की वजह से जो पानी अंदर seep करता है और पहाड़ के अंदर जाकर मिट्टी का एक घोल बनाता है, घोल बनाने के बाद इट बिकम्स ए विस्कस फ्लो, दैट्स व्हेन द लैंडस्लाइड टेक्स प्लेस. सो इट हैड वेरी लिटिल टू डू विद डिफॉरेस्टेशन. एंड इवन नाउ ऑफ ऑल द अमेजिंग एक्सप्लेनेशंस दैट फर्स्ट केम आउट अबाउट द रॉन्टीगार्ड एवलॉन्च ऑन 7th February दिस ईयर, आई सॉ वंस अगेन people blaming deforestation in Uttarakhand. So I would strongly urge all the young researchers here that please make it a point to go out and do field work. Okay? So that's my first story. Now, it's interesting that ek taraf to hum kehte hain ki ji, we are living in an information age aur jitni नॉलेज और ज्ञान आज हमारे पास है अपने विश्व के बारे में, मुझे तो नहीं लगता है कि पहले कभी इतिहास में इतना ज्ञान समाज को था. बट एट द सेम टाइम द अनसर्टेनिटी इज नो लेस. ओके, एंड द एलिफेंट इन द रूम मीनिंग द बिग प्रॉब्लम इज ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज.
Now, journals and science magazines all over the world routinely carry articles or papers that say that the Himalayan glaciers are probably the most vulnerable to climate change. कई वर्ष पहले हमारे एक मित्र डॉक्टर गर्गन लेड ए टीम एट द वाडिया इंस्टीट्यूट एंड दे सेड दैट द स्मॉलर ग्लेशियर्स आर गोइंग टू बी वेरी वल्नरेबल मोर ससेप्टेबल टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज एंड हमारी समस्या ये है कि वी नो सो लिटिल अबाउट आवर ग्लेशियर्स. We have 9,575 glaciers according to a study by Wadia Institute in the Indian Himalayas. But I don't think that even 1% of them have been studied carefully. Jitna bhi hamare studies hain, they are largely focused on a few glaciers, literally a handful of glaciers. So some years ago, I remember People Science Institute that I was associated with was part of a multidisciplinary group which was looking at the remote sensing images of the Khatling Glacier. And the lead geologist in that group, a young researcher, Dr. Suraj Mal from Delhi University, what he realized was that the Khatling Glacier had broken up into, I think, about four fragments. And at least one of them was actually a glacial lake now. It was no longer a glacier. Now, this poses this fragmentation of the small glaciers and the formation of glacial lakes is going to be a major threat for the development infrastructure that our engineers are creating downstream. उदाहरण के तौर पर खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी निकलती है और भिलंगना नदी पर उस वक्त तीन बांध या तो बन रहे थे या बन चुके थे. छोटे छोटे बांध थे, बराजेस थे, बट दे आर केपेबल ऑफ इन्फ्लिक्टिंग अ लॉट ऑफ डैमेज इफ दे ब्रेक इन अ कैटास्ट्रोफिक मैनर. तो मेरा ये सुझाव होगा, जो यहाँ पे यंग रिसर्चर्स बैठे हैं उनके लिए ये सुझाव है कि आप लोग एक कुछ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम्स बनाए एंड यू पिक अप सम ऑफ आर हिमालयन वैलीज. फॉर एग्जांपल, यू मे वांट टू पिक अप द धौली गंगा ईस्ट और द धौली गंगा वेस्ट वैली. देर आर अ लॉट ऑफ ग्लेशियर्स. ये रौंथीगढ़ वाला जो है ये भी तो धौली गंगा वेस्ट का है. So there are a lot of glaciers there, big and small, that have not yet been studied, and they are very important glaciers. And while it's not possible to access these glaciers easily, though some scientists do take helicopter flights to these locations, there is the eye in the sky in the form of the satellite. And if you start looking at the satellite imagery, there is a lot of good work that you can do. In fact, in 1 month after 7 February, the knowledge that has been generated about what happened there was far greater than, I think, all the knowledge that exists of the glaciers in that valley. So you have a chance to do a lot of good research in this area. A third issue is also related to infrastructure development. और इसमें मैं आपका ध्यान paraglacial valleys की ओर लाना चाहता हूँ. आप नोट करोगे कि मैं फॉरेस्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कुछ, क्योंकि वो विषय बाकी दो पैनलिस्ट का है. अब paraglacial valleys are those valleys that are in the high Himalayas. The valley floor is generally at an elevation of about 2000 meters plus or minus 200 meters.
you got muted, Chopra sir. आपको unmute करना होगा. Yes. Okay. So these valleys were vacated in the not so distant past, and the glaciers have left behind millions of tons of moraines, debris, soil, etc. अब जब इन घाटियों में अतिवृष्टि होती है तो वो वर्षा का पानी जो है इस मिट्टी को, इस इन पत्थरों को उठाता है और अपने साथ लेके चलता है. Now remember that a river is not just water, a stream is not just water, it is water and sediments and all kinds of living organisms in there. तो ये जब उसको लेके चलता है, बाढ़ चलता है, तो ये घाटियां जो हैं, they are fairly narrow valleys and they have very narrow portions in them. और कई बार जब इतना मलबा आता है तो वो अटक जाता है कहीं पर. अब जब वो अटक जाता है तो पीछे से पानी का जो प्रेशर बिल्डअप होता है वो फिर उस बैरियर को तोड़ता है और फिर आगे निकलता है. एंड ईच टाइम द बैरियर ब्रेक्स, द रिलीज ऑफ दैट स्ट्रेन एनर्जी, द रिलीज ऑफ दैट प्रेशर adds to the energy of the moving mass. So each barrier is broken. और ये चीज हमने वहां देखी थी 2013 के फ्लड के बाद. विष्णु प्रयाग का जो बराज है, शायद आप लोगों को याद होंगी वो फोटोएं जो हैं. और it totally destroyed the barrage, it destroyed the road, NH-58, helicopter pad, the offices of JP company, etc. Ab this is an example of a paraglacial flood. The Rontigarh coming into the Rishi Ganga, that's an avalanche, but again once it comes into the Rishi Ganga it becomes a paraglacial flood. And also the Kedarnath disaster is another paraglacial occurrence. Okay, now here's this interesting research topic for a master's student. कि जब वो बाढ़ आया केदारनाथ के पीछे तो बहुत सा मलबा रुक गया, लेकिन उसके आगे जो बाढ़ आया जो नीचे तक आया, तो how much solid matter did it bring with it? This is not a very difficult piece of research, because if you take something like the Sitapur area, this I think from what I can recall now, kai saal pehle main wahan gaya tha, from what I can recall there's at least about 3 or 4 storied high, itni kareeb 25-30 meter unchi koi wahan bedrock upar uth gaya hai. I remember that there were 3 bends on that road from going past Sitapur to Gaurikund, aur usme se kuch some of those bends have disappeared. Now if you can look at some of the old measurements of the bed slope and look at the current slope, then you may be able to make an estimate of how much debris the river dumped at that particular site. Okay. Another interesting problem, particularly linked with people's lives, was what we saw in Srinagar. Srinagar mein jo aap log parichit honge, aapko pata hoga ki Srinagar mein itna malba aaya ki kafi hissa shahar ka रेत के नीचे दब गया. अब ये रेत कहां से आई? तो वहां जो श्रीनगर डैम के कंपनी थी उसका ये कहना था कि अरे ये तो बड़ी लंबी नदी है अलकनंदा, तो देखिए कितने सैकड़ों किलोमीटर से चलती आ रही है और ये सारा मलबा तो वो लेके आई है. लेकिन हमारी जो एक्सपर्ट बॉडी थी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की थी, उसमें जो जियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर नवीन जुयाल, उनका ये कहना था कि नहीं, मुझे ये वो वाला मलबा नहीं लगता है, क्योंकि मैं अध्ययन करता आया हूँ और हर पूरी वैली में
मैं 1970 के फ्लड मार्क को नोट करता आया हूं एंड एट एवरी लोकेशन द 1970 फ्लड मार्क इज अबव द 2013 फ्लड मार्क सो इट कांट बी दैट वन एंड देन ही पॉइंटेड आउट दैट द नॉर्थ अल्मोड़ा थ्रस्ट गोज एट द पास द साइट ऑफ द डैम और उसका ये कहना था कि भाई इसके जो अपस्ट्रीम है दैट इज मेनली क्वार्टजाइट और इसके डाउनस्ट्रीम में जो रॉक्स हैं दे आर मेनली फाइलाइट सो इफ वी कैन डू एन एनालिसिस ए केमिकल एनालिसिस एंड वी कैन सी कि भाई इसमें फाइलाइट के ज्यादा चिन्ह हैं कि इसमें क्वार्टजाइट के ज्यादा चिन्ह हैं तो हमने वहां पर सैम्पलिंग की एंड आफ्टर वी डिड द सैम्पलिंग एंड दोज वर मेजर्ड इन ए लैब It was shown very conclusively that something, मुझे exact figure याद नहीं है, but something like about 45-47% से लेकर 25% तक वो phyllite था, which was the rock material that came out of the digging of the tunnel for the dam, as well as the canal that was going to convey the water downstream. So this evidence was then presented in the court in the NGT by people who wanted to claim compensation and damages and if I remember right almost 10 crore rupees worth of damages were imposed on the company now another very interesting doc sahab mujhe warn kar dijiye I will close very quickly then another very short three, one. Two, three minutes. Okay. All right. Yeah. Now, in Nainital, aapka jo observatory hai, Aryabhata Observatory and P.S. Negi of Wadia Institute did a study some, in I think 2019 mein published hua tha, about the deposition of black carbon on the Gangotri Glacier peaks. And it was surmised ki this must have come from the forest fires that have been burning in that area and maybe some other sources. Hamara ye ichha thi, the expert group that was studying the Chardham Pariyojana, ki abhi itni bhari matra mein jo public ja rahi hai, Badrinath aur Gangotri, and the government wants it to multiply 10 times when so many million vehicles will go there in a short stretch of about 90 days during the summer to kitna wahan par pollution hoga kitna wahan par black carbon generate hoga ye hum logon ka ek adhyayan tha we didn't have much resources or time We did a study, a quick study, I should say a quick estimate. And we found that it was a very significant addition that was going to take place to the pollution level, particularly the particulate matter that would then go and settle on the neighboring glaciers. Now, here's another research idea for you, that if you can collect some of that, and some of these peaks are, you can reach them, if you can collect some of those samples, then look at what is in there. If it is coming from forest fires, you are likely to find a lot of carbon. You will find some hydrocarbon. But if you are looking at the particulate matter that is coming from vehicular exhaust, then you are going to find trace metals. You're going to, maybe you might find vanadium, selenium, you may find molybdenum, you may find beryllium, antimony, etc., which is not coming from the forest. So then you can begin to estimate ki bhai ye jo soot aa raha hai, black carbon aa raha hai, iska source kya hai. These kinds of apportionment studies are being done in places like Delhi to see ki ye crop residue burning se pollution ho raha hai, ki exhaust vehicular exhaust se ho raha hai. So there are other people who are studying similar things. Now, I will cut short at this point. Sir, sorry to interrupt you. We have to join to the new link. Okay. So I hope you'll give me another minute.
Actually, there were certain issues with Google Meet, technical issues. So we are proceeding in this way. Sorry for these interruptions.